फैंसी गारमेंट एंड किड्स मॉल, शेरवानी, कोट पैंट, थ्री पीस, शूटिंग, शर्टिंग, टेलरिंग, बच्चे और बच्चियों के लिए कई सारे कपड़ों की वैरायटियां। हमारा पता आयशा नगर पुलिस स्टेशन के सामने, हजार खोली मालेगांव, प्रोप्राइटर चांद खान। मानव समाचार, मानवता के हक में। मानव समाचार में आपका इस्तकबाल है, मैं हूं अब्दुल रहमान। कल मालेगांव शहर से एक ग्रुप मुंबई के मातोश्री पहुंचा, जहां पर उन्होंने साबिक वजीर आला उद्धव ठाकरे से मुलाकात की। शिवसैनिकों पर मुश्तमिल ये ग्रुप इस बात की यकीन दहानी कराने के लिए मुंबई पहुंचा था कि वो अब भी शिवसेना के साथ है, अब भी वो उद्धव ठाकरे जी के साथ है। इस पूरे वक्त में, इस पूरे ग्रुप में और इस पूरे ग्रुप में मालेगांव शहर से रामाजी मिस्त्री, आसिफ नेशनल वाला, प्रमोद जी शुक्ला और दीगर लोग शामिल थे, जहां पर उन्होंने उद्धव ठाकरे से मुलाकात की। साथ ही साथ उन्होंने इस बात का यकीन दिलाया, मालेगांव शहर में शिवसेना अब भी मजबूत है और सभी लोगों ने इस बात की यकीन दहानी करवाई कि मालेगांव शहर में वो शिवसेना को और भी तकवीत बख्शेंगे और शिवसेना को मालेगांव शहर में मजबूत करने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे। आपको बता दें कि उद्धव ठाकरे के मंत्रिमंडल में रहे, उद्धव ठाकरे की सरकार में रहे साबिक पर्यटन मंत्री आदित्य ठाकरे, युवा नेता जो कि शिवसेना के हैं और युवा सेना प्रमुख जिन्हें कहा जाता है, वो महाराष्ट्र के दौरे पर निकले हैं और शिव संवाद के जरिए शिव सैनिकों को इकट्ठा जोड़ने की वो कोशिश कर रहे हैं। ताल्लुक से उन्होंने दिगर शहरों का रुख किया, जिनमें नासिक, जौला, मनमाड़ के नाम शामिल है, जहां पर शिव सैनिकों को खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने शिवसेना छोड़ दी है या जिन लोगों ने शिवसेना से गद्दारी की है, वो गद्दार ही कहलाएंगे, ना कि वो आम शिव सैनिकों की तरह शिवसेना के वफादार कहलाएंगे। साफ लफ्जों में शिवसेना को छोड़ने वालों को उन्होंने सख्त सुस्त कहा और उन्होंने उनको गद्दार के खिताब से नवाजा। आदित्य ठाकरे का ये भी कहना है कि जो बागी शिवसैनिक जो फिलहाल में जो बीजेपी के साथ साठगांठ करके जिन्होंने सरकार बनाई है, अगर वो वापस आना चाहें तो मातोश्री के दरवाजे उनके लिए खुले रहेंगे। इस तरह का साफ लफ्जों में कहना है युवा नेता आदित्य ठाकरे का। अपने बीच आदित्य ठाकरे को पाकर शिवसैनिकों में एक नया जोश, एक नया वलवला देखने को मिला। हर किसी ने जोरदार नारों से उनका स्वागत किया। हर किसी की जुबान पर यही था कि आदित्य साहब आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। आम वोटर अब भी तजब्जुब का शिकार है, क्योंकि उन्होंने ज्यादातर उम्मीदवारों को शिवसेना को देखकर वोट दिया था, बाला साहेब ठाकरे को देखकर वोट दिया था। उनमें ज्यादातर जो कामयाब हुए उम्मीदवार हैं, जो कॉर्पोरेटर हों, जो एमएलए हों या एमपी हों, उनमें बाला साहब की शख्सियत या शिवसेना पार्टी का इतिहास, ये बहुत ज्यादा इसका अमल दखल है। उनमें खुद उन उम्मीदवारों की जाती शख्सियत का प्रमाण थोड़ा कम है, बल्कि इस तरीके से जिस तरीके से शिवसेना ने मेहनत की है, जिस तरीके से लोगों में शिवसेना का मजबूत रिश्ता और जिस तरीके से शिवसेना से आम लोग जुड़े हुए हैं, इसमें बहुत ज्यादा उन उम्मीदवारों को कामयाब करवाने में इन आम शिवसैनिकों का हाथ था और आम शिवसैनिकों में आज भी नाराजगी पाई जा रही है इस बात को लेकर कि 2.5 साल का अरसा गुजरने के बाद उन्होंने उद्धव ठाकरे का साथ छोड़ दिया और एक नई सरकार स्थापित करने के लिए उन्होंने बीजेपी से साठगांठ की और देवेंद्र फडणवीस को साथ में लेकर उन्होंने एक नई सरकार का संगठन किया। शिवसेना से बाकी उम्मीदवारों की जो नुमाइंदगी है वो आज के वजीर आला, महाराष्ट्र के वजीर आला एकनाथ जी शिंदे कर रहे हैं। तो क्या जिस शिवसेना ने बरसहा बरस
महाराष्ट्रीयन लोगों के अस्मिता के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित किया जिन बाला साहेब ठाकरे ने महाराष्ट्रीयन लोगों को उनका वेकार दिलवाने में एक अहम रोल अदा किया, क्या वो शिवसेना इतनी आसानी से टूट जाएगी? जिस शिवसेना के प्रमुख बाला साहब ठाकरे ने एक आम इंसान को कारपेटर बनाया, कारपेटर से वजीर आला तक के पौधे तक पहुंचाया, क्या उसी शिवसेना के बाला साहब ठाकरे के फर्जंद उद्धव ठाकरे जो सिर्फ 2.5 साल के लिए वजीर आला बने थे, क्यों वजीर आला के तौर पर उनको नकार दिया गया? क्यों उनके पीछे ये कहा गया कि वो सबसे कमजोर वजीर आला थे और उन्होंने शिवसेना की पॉलिसी है उस पॉलिसी को दरकिनार किया, हिंदुत्व के मुद्दे को दरकिनार किया और उन्होंने सिर्फ ओहदे के लिए पिछली सरकार से साठ गांठ की या पिछली सरकार से मिलकर उन्होंने अब तक जो है सरकार चलाई थी? जबकि अगर 2.5 साल का इतिहास उद्धव ठाकरे जी का देखा जाए तो एक साफ सुथरा रिकॉर्ड उनका है। आम लोगों में इस बात की चर्चा होती है कि जिस तरीके से 2.5 साल का अरसा जो कोरोना में बीता, इस 2.5 साल के अरसे में जिस तरीके से फेसबुक पर और सोशल मीडिया पर लोगों का मनोबल बढ़ाने के लिए उद्धव ठाकरे आते थे, लोगों से संवाद करते थे, लोगों से बातें करते थे और जिस तरीके से तमाम सहूलियात जहां तक मुमकिन हो सकी वो उद्धव जी ठाकरे ने महाराष्ट्र में मुहैया करवाई। अगर दीगर सूबे की बात करें तो बहुत सारे सूबों में कहीं अस्पताल की कमी थी, कहीं ऑक्सीजन की कमी थी, कहीं दवाओं की कमी थी, मगर महाराष्ट्र इन तमाम चीजों से बिल्कुल पाक था, सारी चीजें यहाँ मुहैया थी। जबकि सबसे बड़ा चैलेंज महाराष्ट्र को था मगर महाराष्ट्र ने इस चैलेंज को कबूल किया और कोरोना काल को बखूबी उन्होंने इस पूरी जंग को लड़ा और इस जंग में जीते भी। फिर क्या वजह है कि उसी उद्धव ठाकरे को सबसे कमजोर वजीर आला करार देकर कुछ लोगों ने शिवसेना से बगावत कर दी? खैर ये उनके अपने बीच की बात है, वो जाने। एक आम आदमी को इन सारी चीजों से लेना देना नहीं है। आम आदमी यही चाहता है कि नई सरकार कोई भी आए, एक आम आदमी की जिंदगी खुशहाल रहे, एक आम आदमी की जिंदगी बेहतर रहे और एक आम आदमी की जिंदगी के बारे में सरकार सोचे। बहरहाल आगे जो भी होगा हम आपको बता देंगे। इस वक्त के लिए बस इतना ही। देखते रहिए मानव समाचार, सबसे पहले सबसे तेज, हमेशा सच के साथ।